राम राम जी। ये मेरा नया चैनल है बाबा की खरी खोटी। खरी खरी बात तो हम पहले भी करते थे, अब थोड़ी खरी खोटी भी करने लग गए हैं। मेरे दर्शकों में और आम जनता में भी बड़ी क्यूरियोसिटी है कि भाई वो ब्रजभूषण सिंह के केस में क्या चल रहा है। भाई साहब, धुआंधार केस चल रहा है। हमारी हिंदुस्तानी न्याय व्यवस्था किस चीज के लिए कुख्यात है जी? केस चलते ही नहीं, 20-20 साल। मर्डर के केस भी 20-20 साल चल जाए। यहाँ पता है क्या हाल है? पिछले सोमवार, आज बुधवार है ना, ऐसा ही कुछ, सोमवार 16 तारीख न तारीख थी, चार्जेस पे बहस चल रही। मैंने पहले भी बताया था, 19 की फिर तारीख दे दी, 16 के बाद 17, 18, सिर्फ 2 दिन का गैप। 19 की तारीख है, 16 की थी, 19 की है, 3 दिन में तारीख। तो चार्जेस पे बहस चल रही है। आम आदमी जो पहली बार शायद मेरे वीडियो में भी कुछ लोग आते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहिए कि भाई जब एक आदमी ने कंप्लेंट करी, ये मेरे कल्याण नहीं होगा, FIR होगी, पुलिस ने जांच करी और चार्जशीट दाखिल करी। जब चार्जशीट जब कोर्ट में दाखिल हो जाती है तो फिर एक बहस होती है, उसको चार्ज की बहस कहते हैं कि भाई पुलिस ने जो ये चार्जशीट दाखिल करी है, आपने कंप्लेंट करी, आपने FIR कराई, तो उन चार्जेस में कुछ दम भी है, मुकदमा चलाने लायक है, तो पुलिस की जांच क्या कहती है। तो उस पे दोनों पक्षों के वकील, कंप्लेनेंट और डिफेंस, एक्यूज का वकील बहस करते हैं। जज साहब उस बहस को सुनते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये कहता है कि नहीं जी, अपराध हुआ है, मुकदमा चलना चाहिए, मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। तो डिफेंस काउंसिल कहता, अरे अपराध हुआ है तुम्हारे कहने से मान लें, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? पुलिस की जांच ने क्या कहा है? पुलिस ने तो उस पर बहस चलती है, फिर जज ये डिसाइड करता है। इसको कहते हैं चार्ज की बहस। और जज उसमें ये डिसाइड करता है कि चार्जेस फ्रेम होंगे कि नहीं होंगे, अर्थात आरोप तय होते हैं कि नहीं होते हैं। कई बार आरोप तय ही नहीं होते, कहने का मतलब चार्ज की बहस के बाद ही जज जो है मुकदमा खारिज कर देता है, गाइस मैं इस मुकदमे को आगे नहीं सुनूंगा क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, जांच में अभियोजन पक्ष ने कोई प्रूफ नहीं दिए। तो वो बहस चल रही है। तो 16 तारीख को, आज से 2 दिन पहले क्या हुआ? तो हुआ ये सर कि 6 कंप्लेनेंट हैं। तो जज ने जब चार्जेस की बहस सुननी शुरू की तो कंप्लेनेंट नंबर 6 से सुनता आया, नीचे तो शुरू कर दी, फिर उस दिन बोले यार मुख्य कंप्लेनेंट कौन है? कंप्लेनेंट नंबर 1। बोले पहले उसकी सुनाएंगे, पहले उसकी बहस करो। तो उसकी बहस शुरू होगी, तब वो हमारी मुख्य खलीफी है, इस आंदोलन की मुख्य सूत्रधार वो है, घड़ी बड्डी पहलवान है। तो अब डिफेंस काउंसिल एक बात कहता है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग्स हैं कि यदि सरकार द्वारा किसी जांच आयोग, जांच समिति या सरकार द्वारा नियुक्त किसी जांच में आपको अगर इस आरोप से, मॉलेस्टेशन या हरेसमेंट, सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप से अगर बरी कर दिया है, तो उस पे फिर आप उन्हीं केसेस, उसी आरोप में, उन्हीं एक उसी कंप्लेंट पे कोर्ट में मुकदमा नहीं चला सकते। तो अब प्रोसिक्यूशन क्या कह रहा है, मतलब धरना जीवी पहलवानों की वकील है रेबेका जॉन, वो कह रही है ना ना ना, ये कोई कमेटी थी, ये कोई जांच थी, मतलब वो ओवरसाइट कमेटी की जांच को जांच मानने के लिए ही तैयार नहीं है, जबकि वो भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने गठित की थी और उसमें देश के मूर्धन्य खिलाड़ी और खेल प्रशासक सीनियर लोग उस जांच समिति में थे और बकायदा इन कैमरा वो जांच हुई है और 3 महीने चली है। तो अभियोजन पक्ष,
यानी धरना जी भी वकील कहता है ना ना उस जांच ने हम ना मानते, वो तो कति बेकार थी। बोला तुम्हारे मानने से क्या होता है? बोला उसका इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं है इस FIR से। तो डिफेंस काउंसिल हैं मिस्टर विवेक मोहन, ऐसे कुछ नाम है उनका, मुझे पता नहीं नाम उनका एग्जैक्टली, यही है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे नहीं है, दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में उस ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट को शामिल किया है, इट इज इन द चार्जशीट, पहली बात। दूसरी बात, एक एक कंप्लेनेंट और उनके उस ओवरसाइट कमेटी में प्रस्तुत हुए सभी गवाहों के बयान चार्जशीट में दर्ज हैं, और ओवरसाइट की कमेटी की रिपोर्ट में आपने जो जो एफिडेविट दिए थे, शपथ पत्र, भगवान को हाजिर नाजिर मान के शपथ पूर्वक ये कहता हूं कि मेरे लिए न्यू होया या न्यू नहीं होया, एफिडेविट दिए हैं आपने, और इट वॉज इन कैमरा, जब आप वो बयान दे रहे थे मौखिक तो कैमरा चल रहा था, वो तीनों चीज दिल्ली पुलिस ने एज एन एविडेंस इस चार्जशीट में प्रस्तुत की है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ओवरसाइट कमेटी की जांच और उसके एविडेंस और उसके तथ्यों को आप इस केस में नहीं मानेंगे? तो जज ने बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, आप ओवरसाइट कमेटी की जांच को कैसे खारिज कर सकते हैं? तो रेबेका जॉन बोली कि ओवरसाइट कमेटी ने तो कोई क्लीन चिट नहीं दी ब्रजभूषण को। तो बचाव का पक्ष का वकील बोलिया ठीक है क्लीन चिट नहीं दी, पर दोषी भी तो नहीं ठहराया, क्लीन चिट नहीं दी पर दोषी भी नहीं ठहराया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आरोपों में दम नहीं पाया, अगर दोषी नहीं ठहराया इसका मतलब बरी किया। ओवरसाइट कमेटी ने इनफैक्ट कुछ दो चार सुझाव देके, तो रेबेका जॉन जो बचा प्रोसिक्यूशन की इनकी धरनाजीवियों की वकील है, उसने कहा कि ओवरसाइट कमेटी ने ठीक से जांच नहीं की। कहता जी ये ठीक से नहीं की या की, ये तो विषय ही नहीं है, वह एक जांच समिति थी, उसने ब्रजभूषण शरण सिंह को सेक्सुअल मिसकंडक्ट का, मोलेस्टेशन या सेक्सुअल हरेसमेंट का दोषी नहीं पाया। उसके बाद उस दिन यह भी बहस हुई कि हरेसमेंट और मोलेस्टेशन में फर्क होता है, ओवरसाइट कमेटी में इन्होंने हरेसमेंट के आरोप लगाए थे, यस पहलवानों के साथ में एक दिक्कत हो गई, मैंने पहले भी बोला था ये प्रिपेयर्ड तो थे नहीं, इनको ये तो पता नहीं था ये किस बिल में हाथ डाल रहे हैं, इन्होंने एक बिल में हाथ घुसेड़ दिया, इनको ये नहीं मालूम कि अंदर सांप है या चूहा है या बिच्छू है, इन हाथ तो घेर दिया, आरोप लगा दिए, तैयारी थी नहीं, और आरोप लगा क्या दिया यार, मैं तो हमेशा कहता हूं मुंह तो निकल गए, निकलवा लिए, निकल भी नहीं गए। वो जो इनकी बड़ी खलीफी है ना, वो घड़ी बढ़ चढ़ के बातें कर रही थी, सारी दुनिया वाह 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 कर रही थी, 19 तारीख की बात है, 11 बजे धरना शुरू किया था, 3 बजे तक हूँ भी आदमी, 3-4 घंटे में ना थक ले है। सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, फटीक, थकावट, 11 बजे गहमा गहमी शुरू हुई, द एटमोसफियर, वो एटमोसफियर वॉज वेरी चार्ज्ड, अत्यधिक उत्तेजना का माहौल था। तो अत्यधिक उत्तेजना में कोई व्यक्ति कितनी देर तक सजग रह सकता है? भाई मेंटल फटीक तो आती है ना, और सारी दुनिया में लाइव चल रहा था, हजारों लोगों ने घेर रखा था, दुनिया भर के पत्रकार आ चुके थे। अच्छा पत्रकारों को भी मालूम होता है कि टेढ़े सवाल कठिन सवाल कब पूछने हैं। तो 11 बजे का मजमा शुरू हुआ, 3-3:30 तक बजे तक आते आते पहलवान जी लोग थक गए। थक कैसे गए? फिजिकली तो जो थक, अब आदमी फिजिकली भी थकता है, अब मुझे आप इस कुर्सी पर बिठा दो, सुबह 11 बजे बिठा दो, 5 बजे तक बोल और ऐसे ही बोल बुलवाते रहो, और मेरे आगे 1000 आदमी खड़ा कर दो, 11 बजे तक तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, शाम को 5 बजे तक। 5 बजे उन्होंने उल्टे सीधे सवाल किए, इनके मुंह तो निकल गई, बोले हमारा शोषण करते थे। तो एक पत्रकार ने पूछा शोषण कौन सा शोषण? ये अचकचाई, बोला यौन शोषण करते थे क्या? बोला हाँ यौन शोषण करते थे।
यहाँ का मामला बिगड़ गया। दिल्ली से गाड़ी को जाना था बंबई, चल पड़ी अमृतसर न। अच्छा, उन्होंने एक बात और कही डिफेंस काउंसिल ने 16 तारीख को कि जी जब ये धरने पे बैठे और जब ये ओवरसाइट कमेटी का गठन हुआ तब तक कोई रिटन कंप्लेंट या वर्बल कंप्लेंट नहीं थी, जो भी छोटे मोटे आरोप लगे थे वो धरने पे लगे थे, जंतर मंत्र के मजमे में लगे थे और ट्वीट किए गए थे। जंतर मंतर पे बोली गई बातों और ट्वीट्स का संज्ञान लेते हुए खेल मंत्रालय ने ओवरसाइट कमेटी गठित कर दी। तब तक कोई रिटर्न कंप्लेंट तो थी नहीं। ओवरसाइट कमेटी ने 3 महीने जांच की, 3 महीने जांच में पहलवानों को ये बात समझ में आई कि बाहर आयता तो फैला दिया, आरोप भी लगा दिए, पर सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, सिद्ध भी करने पड़ते हैं। अब सिद्ध कैसे कर लें? आरोप तो झूठे थे, कहां से ले आए एविडेंस? आरोप तो झूठे थे। अब इन्होंने अब झूठ को सिद्ध करने के लिए तो भाई झूठ ही तो बोलना पड़ेगा, तो फिर इन्होंने झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलना शुरू किया ओवरसाइट कमेटी में। 3 महीने में ओवरसाइट कमेटी में इनको पता लग गया कि हम मारप नहीं पाट्या, ब्रजभूषण का बाल भी इन समझ आ गई थी। इसलिए ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही इन्होंने रुदाली शुरू कर दी, हाय हाय मारी हमको न्याय नहीं मिला, ओवरसाइट कमेटी में ये दोष था, ये दोष था, ये दोष था। ओवरसाइट कमेटी में खोट निकालने लग गए और इनको एक बात समझ में आ गया कि भाई ओवरसाइट कमेटी से तो कुछ। इधर क्या हुआ, ब्रजभूषण शरण सिंह ने वापस चार्ज ले लिया। नंदिनी नगर में एक नेशनल्स ओपन नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट करा दिया और वहां पे एजीएम की मीटिंग बुला के चुनाव की घोषणा कर दी। अब इनके समझ में आएगी भाई ये तो कहानी हाथ से निकल गई, हमने इतना बड़ा आरोप लगाया मारे भी नहीं पाट्या बाल भी, अगला तो और ठाडा हो गया, अगले ने तो वापस टेक ओवर कर लिया। फिर इन कोशिश करके एफआईआर दर्ज कराई। अब एफआईआर में क्या आरोप लावा भाई, तो इन वही भाड़े के बाजार से खरीद के कंप्लेनेंट जुटाई, जिसका आरोप लीली पहलवान ने अंतिम पंगाल के कोच ने लगाया है कि मेरे को ऑफर आया था कि चाहे जितने पैसे ले लो एक छोरी पर कंप्लेंट करा दो। लिल्ली पहलवान कहता है कोच साहब कि हमने पूछी अपने छोरियां तो उन्होंने बोला ना जी ऐसी कोई बात नहीं, झूठ बात है तो हम झूठे आरोप क्यों कर लाते हैं, हमने हमने भाई हमने इज्जत प्यारी हमने ना चाहते थारे 10-20 लाख 50 लाख। जी हाँ, मन मुंह मांगी रकम की ऑफर थी। फिर इन्हें खैर कुकरा कर कुरा के भाई जमीर बेचने वाले और इज्जत बेचने वाले तो दुनिया पड़ी है, एक मिल गया इन रोहतक का कोच। बोले अल्लाह 10 लाख खातर में कुछ भी बेच सकूं, ये तो कुछ भी कौन है। उसने 3 छोरी सप्लाई कर दी, आरोप लग गए, एफआईआर दर्ज हो गई, फिर धरना लग गया। अब इस मुकदमे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई, इन 2 बार कंप्लेंट कर रखी है, ओवरसाइट कमेटी में कुछ बयान दिए हैं। जब देखा कि ओवरसाइट कमेटी के बयान तो फुस निकल गए, उसमें तो कुछ सिद्ध ही नहीं हुआ, उसमें तो कोई केस ही नहीं बना, तो इन्होंने बयान बदल दिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले बोली जी तुर्की में मेरे गलिया नहीं होया, तो वहां पर पता लगा तुर्की तो ब्रजभूषण गया ही नहीं था। बोले नहीं भूल गई थी 2015 नहीं 2016 में, आज वहां फलाने तो मंगोलिया में आया था। तो फिर बोले जी ना, फिर जब एफआईआर कराई तो तुर्की और मंगोलिया भूल गई। बोले जी मैं फेडरेशन ऑफिस गई थी, उड़ा होया था, मेरी टी शर्ट ठा दी। ओवरसाइट कमेटी में कह रखी है
कि मैं अपने पार्टनर या हस्बैंड के साथ फेडरेशन ऑफिस गई थी, तो मेरा पार्टनर मेरे साथ ब्रजभूषण शरण सिंह के ऑफिस में अंदर कमरे में गया था, तो उन्होंने पूछा ये कौन है, तो मैंने परिचय कराया था। ये ओवरसाइट कमेटी में ऑन कैमरा एफिडेविट पे बयान दे रखे है कि मेरे पार्टनर या हस्बैंड जो भी थे वो मेरे साथ रूम के अंदर गए थे। ओवरसाइट कमेटी में तो ये बोली, FIR में लिखा दी कि मेरे पार्टनर को तोमर ने बाहर रोक लिया। मैं तो एकली गई थी, फिर मेरी टी शर्ट हादी रिमोट था। अब दो बयान हो गए ना, तो डिफेंस काउंसिल ने पूछ लिया, ये बताओ ओवरसाइट कमेटी में झूठ बोल रही थी या FIR में झूठ बोल रही है। ओवरसाइट कमेटी में कही थी, कहती हो कि मेरा पार्टनर मेरे साथ रूम के अंदर तक गया, FIR में कह रही हो कि नहीं अंदर नहीं गया, तोमर ने बाहर रोक लिया इसलिए रोड पे बैठा रहा। को क्या सच क्या है, ओवरसाइट कमेटी सच है या FIR सच है? कहने का मतलब, चार्जेस की बहस में डिफेंस काउंसिल ने जज को यह कन्विंस कर लिया कि इन्होंने झूठ बोला है, ये लोग झूठ भी बोलते हैं, और झूठ का प्रूफ दे दिया कि ओवरसाइट कमेटी में कुछ कह रही है, FIR में कुछ कह रही है, दिल्ली पुलिस को कुछ कह रही है, ओवरसाइट कमेटी को तो कुछ और ही बोल। ऐसे कम से कम 5-6 इंसिडेंट्स हैं जी, ओवरसाइट कमेटी में कुछ बोले हुआ है, FIR में कुछ बोला हुआ है, पुलिस को कुछ बोला हुआ है। अच्छा, अब सब बात यह है कि हमारी जो जुडिशियल व्यवस्था और हमारा संविधान है ना, ये हमने अंग्रेजों से चुराया है, क्योंकि अब पहले तो अंग्रेज शासन करते थे ना, और जुडिशियल व्यवस्था तो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है ना। हमारी ओरिजिनल न्याय व्यवस्था तो पंचायत व्यवस्था थी, गांव के पंच फैसला किया करते थे, उसको किल करके हमने अंग्रेजों वाली जुडिशियल व्यवस्था लागू की है। तो अंग्रेजों की जुडिशियल व्यवस्था में सिर्फ एक सूत्र है कि यदि डिफेंस काउंसिल ने कंप्लेनेंट को किसी भी तरीके से झूठा साबित कर दिया कि ये तो जी झूठ बोलता है, और उस झूठ को अगर सिद्ध कर दिया तो मुकदमा औंधे मुंह गिर जाता है। फिर कितना ही हीनियस क्राइम क्यों ना हो, अगर गवाह या कंप्लेनेंट को झूठा साबित अगर कर ले गया डिफेंस काउंसिल, तो मुकदमा फ्लैट। और इस केस में डिफेंस काउंसिल ने बहुत आसानी से और बड़ा डिसिसिवली विद प्रूफ भी कैसे, डिजिटल प्रूफ, कि उस दिन तो तू ये कह रही है देख लो जी, आज ये कह रही है, तो उस दिन झूठ, एक दिन झूठ बोल रही थी, या उस दिन ओवरसाइट कमेटी में या यहां आज, बता कब झूठ बोल, इसका मतलब झूठ भी बोलती है। कर लो बात, लड़ लो मुकदमा, करा लो ब्रजभूषण जेल। अब एक सबसे फाइनल बात, मेन खलीफिन्यू कहती है 16 या 17 अक्टूबर की बात है 2017 कि 16 अक्टूबर को पहले मैं गई, रिमोट तो मेरी टी शर्ट ठाई, मेरा पार्टनर बाहर रोड पे बैठा था, 17 ने मैं फेर गई, 16 को जब पहली बार टी शर्ट ठाई तो मेरे उल्टी पड़ गई, नहीं हो गया मेरे गोड्डे छिल गए या जो कुछ भी था, वॉट एवर इट वॉज, तो मेरे पर मेरे बुखार चढ़ गया, मेरे उल्टी पड़े थी, मैं घर जाने की पोजिशन में नहीं थी, मेरा पार्टनर मैंने एक होटल में ले गया, होटल में चेक इन किया, होटल का रिकॉर्ड मिल गया। इसका मतलब उस दिन तुम होटल में गई थी, इसका रिकॉर्ड पुलिस के पास है, और वो स्टोरी सच्ची है कि वाकई तुम होटल में उस दिन गई थी, पर तुमने कहा कि होटल में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि सवेरे मेरे गोड्डे छिल गए थे, मेरे उल्टी पड़ रही थी, मेरा बुखार हो गया था, क्यों, क्योंकि मेरी टी शर्ट ठा दी थी, मेरे गलिया बहुत गलत कर ब्रजभूषण, इसलिए मेरी तबीयत खराब हुई, इसलिए मैं होटल गई। दो स्टोरीज होगी ना, सुबह कुछ घटना हुई उसकी वजह से तबीयत खराब हुई इसलिए शाम को होटल गए, होटल वाली बात सही है, इसका मतलब सुबह वाली बात भी सही होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन तो हो नहीं सकता कि जो मैं तो भूल गई थी ना ना, न्यू नहीं होया था। तो भैया ब्रजभूषण से पूछा गया, हाँ भाई टी शर्ट ठाई थी, बोले ना जी ना ना ठाई, बोला क्यों कर नहीं ठाई, बोला जी उस दिन तो मैं दिल्ली में ही नहीं था,
बोले हैं दिल्ली में नहीं था, किस था? बोले जी मैं तो लखनऊ में था। नहीं क्यों करो उसका है? बोला जी हो गया क्यों कर प्रूफ के बद, ये लो जी उस दिन लखनऊ में कुश्ती की ट्रायल चल रही थी और मैं सारा दिन मंच पे बैठा था और उड़ा माइक लेके कुश्ती कर रहा था। ये रही प्रूफ, ये रही वीडियो, ये रही फोटोग्राफ्स, और ये रही अखबार की कटिंग, और ये रहे 1,000 गवाह। अच्छा भाई ये तो वाकई कुश्ती लड़ाओ था भाई, फिर ये क्यों कर कह रही है? मेरा लहंगा, सॉरी लहंगा नहीं, टी शर्ट था, रिमोट था। ईसा भी कोई रिमोट है? अगर जो 700 किलोमीटर दूर तो नहीं, यूपी में हो सके है, वैसे कोई बड़ी बात को ना, यूपी में गाना चल रहा है, तेरा लहंगा उठा दो रिमोट से। तुमने बोला भाई क्यों, साइंस का जमाना है के बरा ईसा, रिमोट बना ही लिया हो, उड़ो लखनऊ में बैठे बैठे दिल्ली तो लहंगा। तो यार एक तो बार बार ने लहंगा लेकर जाए मुंह तक, टी शर्ट तो रिमोट था, रिमोट तो टी शर्ट था दे। फिर अच्छा चल ठीक है, 17 ने नहीं उठाई, 18 ने तो उठाई होगी। बोले जी 18 ने भी मैं दिल्ली में नहीं था। बोले 18 ने कि था? बोले जी 18 ने तो मैं गोंडा में था अपने क्षेत्र में। कोई प्रूफ? हाँ जी ये रहा प्रूफ, उस दिन मैंने देखो 18 तारीख ने इस जिम का उद्घाटन कराया। ब्रजभूषण है नेता आदमी, और कोई टच्चा पुच्चा नेता कौन या, 6 बार का सांसद है, अरबपति आदमी है, पूरी सोशल मीडिया टीम है, एक पत्रकार अपना निजी सोशल मीडिया कवरेज करने के लिए, एक फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर, और पूरी टीम लेके चलता है, और 26 आदमी की सरकारी सुरक्षा जिसमें डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हौलदार, सिपाही होते हैं। 26 आदमी के रोज नामचे में रवानगी दर्ज होती है कि आज ब्रजभूषण के साथ इतने बजे बैरक से निकले तो यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, इतने बजे वापस आ गए अपनी बैरक में सो गए। इतना रिकॉर्ड है, प्लस डिजिटल एविडेंस, वीडियो, फोटोग्राफ्स, अखबारों की कटिंग्स, और जिन फंक्शंस में गए तो उन फंक्शंस में 1,000 लोग गवाह। दिल्ली पुलिस ने जांच करी, बोला ना भाई छोरा सही कह रहे हैं, ये तो वाकई दिल्ली में कौन आया, फिर क्यों कुरठा दिया रिमोट टी शर्ट? आ रही तू तो न्यू गए थे, मेरी टी शर्ट ठा दी, वो तो लखनऊ में है। चुप, पीलवांडी मारी चुप, इब के करा। दिल्ली पुलिस ने वो सारा एविडेंस लेके फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। अब फॉरेंसिक लैब से सही है कि टेम्परिंग तो नहीं है, कि तो सारा कुछ झूठा छपवा दिया हो, सारा कुछ झूठ हो, रोजनामचे की कॉपी भी झूठी बनवा दी हो, बड़ा आदमी है ना, तो फॉरेंसिक जांच में टाइम लगता है, तो इसलिए पहली चार्जशीट में इसका जिक्र नहीं है। पुलिस ने एडिशनल चार्जशीट दाखिल करी और उसमें पूरा एविडेंस सही पाया गया, फॉरेंसिक तरीके से। फॉरेंसिक लैब ने कहा है कि हाँ ये जितनी भी वीडियो और फोटोग्राफ ब्रजभूषण सिंह पेश कर रहे हैं, जिसमें कि वो लखनऊ और गोंडा के कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे हैं, वो सही है। इसका मतलब खलीफी ने, मारली ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस बात को इसी कल होगी 19 तारीख ने बहस, फिर से 19 की डेट दे रखी है, उसमें यही बहस होगी कि 19 तारीख को डिफेंस काउंसिल बोलेगा जी मारा छोरा था दिल्ली में था ही नहीं, पर ये जरूर थी दिल्ली में क्योंकि होटल में गई है। इसका मतलब शाम वाली स्टोरी होटल वाली सही है पर सुबह वाली स्टोरी गलत है। तो चार्ज में ही इनके आरोप झूठे सिद्ध कर ले जाएगा डिफेंस काउंसिल, पर जब चार्ज में ही तुम झूठे सिद्ध हो गए तो बर मुकदमा चल लगा, मुन्ना घना डाउट लग गया। हो सके है अगले 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में चार्ज की बहस में ही ये मुकदमा खारिज हो जाए। इसलिए भाई तुम्हारे दुर्दिन शुरू होते हैं अब, तैयारी कर लो भाई, हल्दी वल्दी तेल में दही पिला लो हल्दी, बहुत बुरा हाल होने वाला है। झूठ के पाँव, झूठ कितने दिन टिकेगा, गोड्डे तो इब छिलेंगे, बहुत बड़े हाथी का बयाना ले लिया,
बहुत बुरी होने जा रही है, तैयारी कर लियो। धरना जीवियों और उनके समर्थकों, राहु केतु एंड पार्टी एंड जितने भी समर्थक थे, वो जो अखाड़े में जब मीटिंग कराया करते थे ना, समाज में मुंह दिखाने जोगे नहीं रहोगे। जिस चौराहे पे जाओगे वहां जूते मारेगी पब्लिक, है साले झूठे, अपनी छोटे से फायदे के लिए पूरा हरियाणा तुमने बदनाम कर दिया, हमारी छोरी बदनाम कर दी, कुश्ती बदनाम कर दी। भाई यो स्टोरी है, बहुत लंबी होगी, मैं थक गया भाई गौड़ा जी बोल बोल के। आज की वीडियो में इतना ही, 19 तारीख ने कल फेर होगी बहस, उसमें क्या हुआ मैं कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।